नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब जेल से चिट्ठी लिखी जा रही है। जब से ये खबर सामने आई है आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच चुका है। हैरानी आपको और ज्यादा तब होगी जब पता चलेगा कि आखिरकार तिहाड़ जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के नाम से ये चिट्ठियां कौन लिख रहा है और आखिरकार किसे लिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाठक सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिख दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल पर कभी भी काज गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें सुकेश चंद्र यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें महाठग सुकेश चंद्रशेखर की, तो उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और ठगी के मामले में इस वक्त सुकेश जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि सुकेश के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग में बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई जानी मानी एक्ट्रेसेस से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें मुख्य तौर पर जैकलिन फर्नांडिस का नाम सामने आया है। और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुकेश ने अपनी चिट्ठी में कई बड़े खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की देख रेख में बेहतर सुविधाएं जेल में कैदियों को प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर रिश्वत मांगी जाती है, पैसा मांगा जाता है ताकि उन्हें अच्छी सुविधाएं जेल में कैदियों को पहुंचाई जा सके। इसके अलावा और कई बड़े खुलासे यहां पर सुकेश ने अपनी चिट्ठी में किए हैं। क्या कुछ कह रही है अब बताते हैं। दरअसल यहां पर अपनी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा, डियर केजरीवाल जी, श्री सत्येंद्र जैन और आपकी कठपुतली यानी कि जेल प्रशासन के खिलाफ मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने, विस्तृत जांच की मांग करने वाले सीबीआई के नवीनतम घटनाक्रम के संबंध में आपके द्वारा किए गए बयान के जवाब में मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले केजरीवाल जी, यदि आपका कोई सहयोगी नहीं है तो कृपया दोषारोपण और मेरी ईमानदारी के बारे में बात करने की बजाय सीबीआई जांच के विकास का स्वागत करें। पहले सुझाव के अनुसार मेरे साथ एक बार नार्को टेस्ट कराने की हिम्मत करें। आपको और आपके महाठग घोटालेबाज सहयोगियों को ये टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूँ, धोखेबाज हूँ। कानून और अदालतें इसका फैसला कर लेंगी। पहले अपने आप को देखो, आपके 3 प्रमुख सहयोगी जनता का पैसा लूटने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। जल्द ही आप भी तिहाड़ जेल क्लब का हिस्सा बनेंगे, आप ही मुख्य सूत्रधार हैं। अंत में मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये सिर्फ मेरे बयान शिकायतें नहीं हैं जो मैंने सीबीआई को दिए, जो मैंने कहा है वो मेरी शिकायत के बताए गए पर्याप्त सबूतों के साथ समर्थित होगा, जो मेरे पास मौजूद सबूत और चैट्स के साथ पूरी तरह से समर्थित है। तो चिंता ना करें, आपका नाम बताने और आपको तथा आपके सहयोगियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए पिछले कुछ महीनों से आपके सहयोगी मुख्य रूप से आपका दाहिना हाथ सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर रहते हुए मुझे चुप कराने के लिए धमकियां और ऑफर भेज रहे हैं। अब सीबीआई जांच करेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, आपका कट्टर भ्रष्टाचार भी उजागर होगा। एक सलाह, हमेशा की तरह दोष देना और कहानी बनाना बंद करें। अब कोई भी आपकी कहानी नहीं खरीदेगा और कृपया मेरे खिलाफ शब्दावली से पहले कुछ शर्म करें, क्योंकि आपने मेरे पैसे का इस्तेमाल किया, मुझसे जबरन वसूली करने से लेकर मुझे राज्यसभा सीटों के ऑफर करने, यहां तक कि मेरे घर में छोटी छोटी चीजों से लेकर फर्नीचर तक मेरे पास लगाई गई हैं। और यही तमाम बातें सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में कही। तो देखा आपने किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने अब ये चिट्ठी सीधे सीधे यहां पर अरविंद केजरीवाल के नाम से लिखी है। वे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई हस्तक्षेप करे और जांच की जाए। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार अब सीबीआई क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आएगी, क्या जांच में अब सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे दोषी साबित होते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।